इज कॉल्ड विनोइंग, यानी कि वो जो ग्रेन आप सेपरेट किए हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, विंड के हेल्प से हम उसे रोटेट करते हैं, और ये आपका जो सीड कवरिंग होता है उस सीड का, उसे ये रिमूव कर देता है। तो ये प्रोसेस कहलाएगा आपका विनोइंग। उसके बाद विनोइंग होने के बाद जब आपका उसे जो आपका सीड का कवरिंग है वो जब रिमूव हो जाता है, तो फिर से वो आपके लैंड पे आ जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे जो है हम लोग स्टोर करके रखते हैं, और इस स्टोर करके हम लोग बहुत सालों तक भी रखते हैं। और जहाँ हम स्टोर करके रख रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि कहीं वहाँ पे कोई रोडेंट्स वगैरह तो नहीं है, कहीं वहाँ आपके रैट वगैरह तो नहीं है जो आपके ग्रेन को डैमेज कर जाए, खा जाए। या तो हम लोग मॉइस्चर को यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अगर नमी भी रहेगा वहाँ पे तो तुरंत वहाँ पे बैक्टीरिया और फंगी ग्रोथ कर जाएंगे, और आपके ग्रेन्स को वो डैमेज कर देगा, आपके क्रॉप को वो डैमेज कर देगा जो आप स्टोर करके रख रहे हो। तो हम लोग जो है ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ पे आपका मॉइस्चर ना हो, ड्राई हो, और वो आपका सालों तक वहाँ पे स्टोर रहे। तो हम लोग सबसे पहले स्टोर करने से पहले थोड़ा हम लोग उसे सन में ड्राई कर लेंगे, ताकि जो भी उस ग्रेन में थोड़ा बहुत भी अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो वो आपका मॉइस्चर उस ग्रेन से पूरा हट जाएगा। तो स्टोर करने के टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, और कुछ रोडेंट्स वगैरह जैसे रैट वगैरह हो गए और आपके कुछ वॉर्म्स इंसेक्ट वगैरह से हमें अपने फूड ग्रेन्स को बचा के रखना है। ऑन अ स्मॉल स्केल डोमेस्टिक लेवल फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन आइदर जूस बैग और स्मॉल मेटेलिक बीन्स। ऑफन ड्राइड नीम लीव्स आर पुट वाइल स्टोरिंग एट होम। दिस प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स। अगर हम फूड ग्रेन्स को स्मॉल स्केल में आपके स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि डोमेस्टिक लेवल पे स्टोर कर रहे हैं, घर वगैरह में हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं अनाज को, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि कुछ आपके मेटेलिक बीन्स होते हैं तो उनमें स्टोर करके रख देंगे, ताकि उस मेटल्स में मॉइस्चर वगैरह एंटर ना करे। या फिर आपका जो जूट बैग होता है, जूट के बने हुए जो बैग होते हैं, तो उस जूट बैग में स्टोर करके हम लोग रखते हैं। तो इस बैग में स्टोर करके रखेंगे तो उसमें ताकि जो है इंसेक्ट वगैरह, कीड़ा वगैरह जो है, वॉर्म वगैरह जो है उसमें नहीं लगे, और हमारा जो फूड ग्रेन्स है वो आपका उस वॉर्म उस इंसेक्ट से प्रोटेक्ट में रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में स्टोर करके रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपके पास फूड ग्रेन्स है और हमें बहुत ज़्यादा आप उसे स्टोर करके रखना है, जैसे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि बड़े बड़े आपके गनी बैग्स आते हैं, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिलोज भी कहते हैं। तो उस गनी बैग में हम लोग जो है उसे स्टोर करके रखते हैं, और जहाँ पे जिस रूम में आपका स्टोर करके, जिस जगह पे स्टोर करके रखा जाता है ग्रेन्स को, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनरीज कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ फिगर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा आपको फूड ग्रेन्स स्टोर करके रखना है तो इस तरह के आपके सिलोज रहते हैं, ये आपके ग्रेन्स को स्टोर करने का काम करता है। ये देखिए, ये जूट बैग है, जूट बैग आपका अगर डोमेस्टिक लेवल पे स्टोर करके रखना है तो आप जूट बैग को यूज़ कर सकते हो। और ये है आपका ग्रेनरीज, ग्रेनरीज देखिए यहाँ पे एक आपका कच्चा हाउस टाइप का बना दिया जाता है, और इसमें हम लोग जो है अनाज को स्टोर करके रखते हैं। तो ये है आपका ग्रेनरीज का यहाँ पे पिक दिखाया गया है। अब आइए फूड फ्रॉम एनिमल्स। हमें एनिमल्स से जो मिलने वाले फूड हैं वो तभी तक हमने जितना भी पढ़ा तो वो सारे फूड जो है वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा था, हमें वो प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो कुछ आपके एनिमल्स से भी हमें फूड मिलते हैं, तो हमारे एनिमल्स जो प्रोवाइड करते हैं उनमें फूड आइटम्स कौन कौन से आपके आ जाएंगे, मिल्क, मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, एग, एग भी हमें एनिमल से मिलते हैं, मीट, हनी, तो ये सारे जो आपके हैं फूड आइटम्स वो हमें एनिमल्स प्रोवाइड करता है।
तो एनिमल्स का भी जो है वो आपका रियरिंग, एनिमल्स के जो रियरिंग होते हैं लार्ज स्केल में, ताकि हमें वो फूड दे सके। और तो हमें उस एनिमल का अच्छे से केयर भी करना है और एनिमल्स को रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड करना है, ताकि वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मीट, एग, मिल्क, ये सब का प्रोडक्शन वो कर सके। तो एनिमल्स के रियरिंग को हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो इसका जो एनिमल्स रियरिंग है वो कहाँ पे किया जाता है, तो हम लोग उसे एनिमल फार्म वगैरह में हम लोग इसे करते हैं, जहाँ पे हम लोग उसे रहने का जो जगह दे रहे हैं तो उस जगह को हम लोग कहते हैं फार्म। तो यहाँ देखिए कि कुछ फूड आइटम्स आपके दिखाए गए हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स से मिलते हैं। फिश, फिश भी जो है वो हम फिश भी एक आपका बहुत ही वैल्यूएबल आइटम्स है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, ये भी एक आपका एनिमल्स है। फिर यहाँ पे मीट हो गया, तो अलग अलग जानवर के हम लोग मीट को कंज्यूम करते हैं, तो जैसे आपके चिकन हो गए, गोट हो गए, तो ये सब जो है वो आपके एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट है। हनी, हनी भी हमें कौन बना के देता है, हमें हनी भी से मिलता है हनी। उसके बाद फिर एग, एग हमें हेन प्रोवाइड करती है। तो ये सारे आइटम्स जो है हमें एनिमल से मिलते हैं। उसके बाद आइए एपिकल्चर हम किसे कहते हैं। तो एपिकल्चर हम किसे कहेंगे, तो लार्ज स्केल में अगर हनी का प्रोडक्शन किया जा रहा है हनी बी के थ्रू, तो उसे हम कहेंगे एपिकल्चर। पीसी कल्चर किसे कहेंगे, तो फिश का प्रोडक्शन करवाना ये कहलाता है आपका पीसी कल्चर। बहुत लार्ज स्केल में अगर आप मछली को पाल रहे हो, मछली पालन कर रहे हो, तो उस फिश का प्रोडक्शन जो किया जा रहा है ताकि हम अलग अलग जगह सप्लाई कर सके अपने इकोनॉमिक वैल्यू के लिए, तो उस फिश का प्रोडक्शन कहलाता है आपका पीसी कल्चर। तो ये सारे इस चैप्टर में हमने पढ़ा।